नमस्कार दोस्तों, हम आज आपको बताने जा रहे हैं विश्व का प्रसिद्ध दरवाज़ा यानी बुलंद दरवाज़ा के बारे में, जो कि फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसके बारे में हम आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे। अगर आप फतेहपुर सीकरी आप ट्रिप पे जाते हैं तो आपको कैसे, किस रूट से जाना है, कौन कौन सी ट्रेन यहाँ पर जाती हैं, कौन सी फ़्लाइट मिलेगी, बस का रूट क्या है, यहाँ पर घूमने के लिए और क्या क्या चीज़ें हैं, होटल में रहने खाने का क्या चार्ज है, यहाँ की सारी ऐतिहासिक चीज़ें आपको बताएंगे कि इसका क्या इतिहास रहा है, किन किन राजाओं का इन्वॉल्वमेंट रहा है, सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में बताएँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। टोटल 2 दिन का आगरा में ट्रिप और 1 दिन फतेहपुर सीकरी का ट्रिप है। यहाँ पर एक होटल लिए हैं, 800 रुपये के आसपास ये AC रूम मिलता है और नॉन AC अगर आपको लेना है तो 500-600 में आपको मिल जाएगा। आगरा से फतेहपुर सीकरी आसानी से जा सकते हैं। ईदगाह बस स्टैंड आ गए हैं, यहाँ से हम लोग फतेहपुर सीकरी जा रहे हैं। तो लगभग 30-40 रुपये का प्राइस जो है ये नॉर्मल बस का प्राइस है, और अगर आपको AC बस करना है, AC बस का टिकट बुक किया है जिसका चार्जेस 60 रुपीज़ है। तो गाइज़ हम लोग अभी इसी बस से जस्ट निकले हैं। ये आगरा से जो है 60 रुपये के टिकट में हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। फतेहपुर सीकरी का जो बुलंद दरवाज़ा है, सबसे दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा, जिसके बगल में ही बस स्टैंड है, आपको इसके लिए कोई अलग से कैब करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप पहुँच सकते हैं। इस समय हम बुलंद दरवाज़ा के पास पहुँच चुके हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा दरवाज़ा है और हम इसके बारे में आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं। बुलंद दरवाज़ा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा से 43 किलोमीटर की दूरी पर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित एक दर्शनीय स्मारक है। मुगल सम्राट अकबर की गुजरात पर जीत के जश्न पर यह दरवाज़ा 1602 में बनवाया गया। एक बुलंद दरवाज़ा है, उसके जस्ट बगल में जो है लंगर खाना है। तो यहाँ पर जो है गरीब लोगों को खाना खिलाया जाता है, जिनकी विश पूरी होती है वो यहाँ पर आकर के लोगों को लंगर करवाते हैं, गरीब लोगों को प्रसाद देते हैं, उन्हें गिफ्ट प्रदान करते हैं। तो ये सारी परंपराएं अकबर के ज़माने से ही ये सब चीज़ें चली आ रही हैं। बुलंद का अर्थ होता है महान या ऊंचा। अपने नाम को सार्थक करने वाला यह स्मारक विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। फतेहपुर सीकरी में अकबर के समय के अनेकों भवनों, बुलंद दरवाजा अकबर के विशाल और वैभवशाली साम्राज्य की गाथा बयां करता है। प्रसादों तथा भव्य अवशेष आज भी वर्तमान में हैं। यूनेस्को ने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी को विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया हुआ है। ये स्मारक विश्व का सबसे बड़ा दरवाजा होने के साथ हिंदू और फारसी स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। अकबर द्वारा गुजरात पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में बनवाए गए इस प्रवेश द्वार में पूर्वी तोरण पर फारसी में लिखे शिलालेख अंकित हैं, जो कि 1601 में दक्कन पर अकबर की विजय के अभिलेख हैं। 42 सीढ़ियों के ऊपर स्थित बुलंद दरवाजा 54 मीटर ऊंचा और 35 मीटर चौड़ा है। यह लाल बलुआ पत्थर से बना है, जिसे सफ़ेद संगमरमर से सजाया गया है। दरवाजे के आगे और स्तंभों पर कुरान की आयतें खुदी हुई हैं। यह दरवाज़ा एक बड़े आंगन और जामा मस्जिद की ओर खुलता है। समष्टकोणीय आकार वाला यह दरवाज़ा गुंबदों और मीनारों से सजा हुआ है। दरवाजे पर बना फारसी अभिलेख अकबर के खुले विचारों को दर्शाता है और इतिहासकारों द्वारा अक्सर ही यह विविध परंपराओं सांस्कृतिक उदाहरण के रूप में उपयोग किया जाता है। विस्तृत ठोस बलुआ पत्थर की यह संरचना सभी ओर से एक बड़ी कब्र के बुद्ध दरवाजे जैसी प्रतीत होती है। शांतिपूर्ण दृश्यों का अनुभव करने के लिए दरवाजों पर बनी सुंदर कलाओं का अध्ययन करने के लिए आगंतुक यहाँ आते हैं। इस समय हम खड़े हुए हैं बुलंद दरवाज़ा का जो बाएं साइड वाला गेट है, जहाँ से अकबर की एंट्री होती थी, वो यहाँ से नमाज़ पढ़ने के लिए अंदर एंट्री करते थे। जामा मस्जिद इसके अंदर बना हुआ है, सलीम चिश्ती की दरगाह बनी हुई है, ढेर सारी जो है यहाँ पर कब्र बनाई गई है। बुलंद दरवाजे के तोरण पर ईसा मसीह से संबंधित कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, जो इस प्रकार हैं, यह संसार एक पुल के समान है, इस पर से गुजरो अवश्य, लेकिन इस पर अपना घर मत बना लो। जो कि एक दिन की आशा रखता है वह चिरकाल तक आशा रख सकता है, जबकि यह संसार घंटे भर के लिए ही टिकता है, इसलिए अपना समय प्रार्थना में बिताओ, क्योंकि उसके सिवा सब कुछ अदृश्य है। आगरा जिले का एक हिस्सा फतेहपुर सीकरी 1585 तक मुगल सम्राट अकबर की एक बार खिलने वाली राजधानी थी। जब राजपूताना पड़ोस और पानी की कमी के क्षेत्र की निकटता के कारण शहर को त्याग दिया गया था, राजधानी वापस आगरा चली गई और अधिकांश पुराने समय के दौरान शहर एक भूत शहर बना रहा। फतेहपुर सीकरी का नाम पहले फतेहाबाद नाम से जाना जाता था, जो कि अब फारसी शब्द फतह से प्राप्त होता है, जिसका अर्थ है विजय। और यहाँ पर एक मस्जिद भी है हमारे पीछे, आप देख सकते हैं। ये मस्जिद ठीक जामा मस्जिद दिल्ली की तरह ही
सेम मॉडल में बनाया गया है, बल्कि विदेशी टूरिस्ट भी यहाँ पर देखने के लिए आते हैं क्योंकि आगरा से ये बहुत ही नज़दीक है। शहर के निर्माण का उद्देश्य सूफी संत सलीम चिश्ती का सम्मान करने के लिए अकबर का इरादा था। आज शहर भारत में मुगल वास्तुकला के सबसे संरक्षित नमूने में से एक के रूप में खड़ा है। मुगल कालीन धरोहर बुलंद दरवाजा के निर्माण में लगभग 12 वर्ष का समय लगा। इसके निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंदरूनी भाग पर सफ़ेद और काले संगमरमर की नक्काशी की गई है। बुलंद दरवाजे में लगभग 400 साल पुराने आबनूस से बने इस विशाल किवाड़ यानी दरवाजे आज भी ज्यों के त्यों लगे हुए हैं। यहाँ की सर्वोच्च इमारत बुलंद दरवाजा है, जिसकी ऊंचाई भूमि से 280 फुट है। शेख सलीम की मान्यता के लिए अनेक यात्रियों द्वारा किवाड़ों पर लगवाई गई घोड़े की नाल दिखाई देती है। 1571 ईस्वी से 1585 तक फतेहपुर सीकरी मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। शेख की दरगाह में प्रवेश करने के लिए इसी दरवाजे से होकर जाना पड़ता है। दोस्तों, बुलंद दरवाजा के परिसर के अंदर दिल्ली के जामा मस्जिद की तरह ही यहाँ पर भी जामा मस्जिद बनाया गया है। दरगाह पर जो है चादर चढ़ाते हैं और धागे बांधते हैं, भगवान से मन्नत मांगते हैं और उनकी मन्नत, ऐसा माना जाता है कि उनकी मन्नत जरूर पूरी होती है। इसके बाईं ओर जामा मस्जिद है और सामने शेख की मजार है। मजार या समाधि के पास उसके रिश्तेदारों की कब्रें भी मौजूद हैं। इस दरवाजे का प्रयोग प्राचीन काल में फतेहपुर सीकरी के दक्षिण पूर्वी प्रवेश द्वार पर गार्ड खड़ा करने के लिए किया जाता था। लंगर खाने में खुदाई के दौरान एक सीढ़ी निकली, इसके बाद जब अंदर तक देखा गया तो एक सुरंग मिली है। ऐसा अनुमान है कि सुरंग का दूसरा सिरा किले के बाहर निकलेगा। ऐसा माना जा रहा है कि इस सुरंग के जरिए किले से खजाना निकालने का काम होता होगा। इसे देखने का सबसे अच्छा समय नवंबर से मार्च के बीच का होता है, क्योंकि भारत में तापमान उस समय सामान्य रहता है, ना तो ज़्यादा ठंड होती है ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। इसके खुलने का समय सुबह 8 बजे और बंद होने का समय शाम 7 बजे है। दिल्ली की तरह ये जामा मस्जिद देखने में लगता है। दरवाजा है बुलंद दरवाजा के अंदर, इसमें आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा ऐसे ही दरवाज़ा नहीं है, ये वाकई में देखने में बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है और इसके परिसर में हजारों की संख्या में लोग आते रहते हैं। इसके अंदर आने के लिए बाएं साइड से गेट बना है, जो आप पीछे देख सकते हैं, उससे थोड़ा सा छोटा है, बट इससे जो है ये बादशाह के जाने के लिए स्पेशल गेट बनवाया गया था। यह नई दिल्ली से लगभग 230 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कैसे पहुँचे? वाया एयर। अगर आप फ्लाइट से पहुँचना चाहते हैं तो आगरा में खेरिया हवाई अड्डा फतेहपुर सीकरी का निकटतम हवाई अड्डा है, जो कि लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, आगरा में आगरा कैंट रेलवे स्टेशन फतेहपुर सीकरी से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, अगर आपको सड़क मार्ग से आना है, बाई रोड आना है, फतेहपुर सीकरी की अच्छी तरह से निर्मित सड़कों ने पर्यटकों के लिए एक महान परिवहन की सुविधा का चयन किया है। UPSRTC बस सेवा पर्यटकों को सभ्य सेवा प्रदान करती है। तो दोस्तों, आप लोग बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। आप अपने सुझाव को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि आपको कौन सी जगह घूमने अच्छा लगता है। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।